जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों क्लासरूम अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे। ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर ले, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर ले, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज की सभी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया वैकेंसी सर्कुलर, और दोस्तों नीचे चलकर आपको बताया गया क्लासरूम अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स दी गई है। जैसे कि पोस्ट की बात करते हैं, तो क्लासरूम अटेंडेंट यानी ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जो कि ओबीसी कैटेगरी की है। लेवल वन का आपका पे स्केल रहेगा, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास 6 महीने का इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 1-6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर अदर डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको लास्ट डेट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों 20 दिसंबर जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, 20 दिसंबर से पहले या फिर 20 दिसंबर के दिन आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है एडिशनल प्रोफेसर एडमिन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी PO न्यू फॉरेस्ट देहरादून उत्तराखंड 248006। इस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपका लेटर इनकम्प्लीट पाएगा, अनसाइंड पाएगा, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन लेटर, आपके 10वीं के 12वीं के सर्टिफिकेट और आपके अदर डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपकी डोमोसाइल, आपकी फ़ोटो और दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप सेंड कर सकती हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको सेंड करने होंगे, बाकी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दी गई है, आप अपनी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लासरूम अटेंडेंट। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर का नाम, आपकी DOB। दोस्तों आपकी जो DOB है आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ये होनी चाहिए। आपका सेक्स, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी और रिलीजन। नेशनलिटी में दोस्तों आपको सिर्फ हिंदू लिखना होगा, और रिलीजन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी है आपका धर्म है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका जो एड्रेस है, आपका हाउस नंबर, आपका विलेज, आपका टाउन सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, और दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ये सभी जानकारी आपको डालनी होगी। आपके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर मेल ID आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होगी, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है, आपके जो 10वीं की 12वीं की उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालने होंगे 1, 2, 3। इसके बाद एग्जाम 10वीं की है, 12वीं की है, स्कूल बोर्ड से की है, किस ईयर में पास की थी, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंडेड, परसेंटेज क्या था और डिवीजन ग्रेड क्या क्या थे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। दोस्तों जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और इसी के साथ आपके जो फोटोकॉपीज है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उनकी फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, कब से कब तक काम किया था, टोटल टाइम पीरियड क्या था, आपके काम की डिटेल्स और आपको जहाँ पर काम करते हैं उसका नाम,
यानी कि आपने जिस संस्था में जिस ऑफिस में काम किया है उसके डिटेल। दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसी के साथ अटैच करना होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, जो जो से डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। नीचे चलकर आपको डिक्लेरेशन दी गई है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर पहले से डेट डालनी होगी। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज की वैकेंसी। आई होप कि आपको वैकेंसी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।